चलो शायरी, चलो 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 टूनी मुनी और चिड़िया रानी, चलो हम लोग चलते हैं फिर घूमने के लिए। घर के मकान में घूमेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलो इधर से निकलते हैं घूमने के लिए। तीनों सहेलियाँ आपस में घूमने घूमने के लिए निकल जाती है। जाते जाते एक रास्ते में एक घर पड़ता है, वहाँ पर डकैत खोज रहा था उन लोग को। आज मैं तीनों में से किसी एक का बलि लूंगी, मेरी माँ ने भेजी है कि जाओ किसी टूनी मुनी या चिड़िया रानी का लेकर आओ, उसका मुंडी का बलि दूंगी तो बलि बलि दूंगी तो मैं अमर हो जाऊंगी। आज किसी को न किसी को बलि लूंगी और काली माँ को मैं, आज नवरात्रि पूरा चल रहा है इसके लिए मेरी माँ ने भेजा, जाओ किसी चिड़िया का या किसी किसान का सर काट चलाओ और उसको हमें बड़े देकर बड़ा अमर हो जाऊंगी। इसलिए टूनी चाहे चिड़िया रानी है, चाहे चिड़िया रानी है, चाहे कोई भी तीनों में से काली मेरा साथ चलो, तो तीनों को जान से मार डालूंगा मैं, अपने खंजर से भूख भूख मार डालूंगा। टूनी गिरी मैं मारना नहीं चाहती हूँ, इसके लिए मैं इस डकैत का बलि था बलि नहीं बनूंगा। मैं जीना चाहती हूँ, मेरे मन का वो ढूंढेगा। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम चले जाओ दीदी, मैं नहीं जाऊँगी। आपस में तीनों चिड़िया लड़ने लगती है कि मैं नहीं जाऊँगी। उसमें डकैत उनसे पूछता रहता है कौन चलोगे हमारे साथ, तीनों भूख भूख मार डालूंगा। इतने में चिड़िया ने बोली, टूनी और मुनी सुन एक तरकीब सोचते हैं कोई उपाय से बचाने के लिए। चलो कोई मंत्र का उच्चारण करेंगे कि ये अंधा हो जाएगा डकैत और हम लोग बच के चलो पर से जान से बच जाएगा और ये पर के पागल होकर हम लोग को छोड़ देगा। इसके लिए टूनी मुनी और चिड़िया रानी बहुत बढ़िया विचार करके एक मंत्र पढ़ने लगती है और भगवान को याद करने लगती है, भगवान हम लोग का ऐसा पाप किया है कि ये डकैत जान मारने के लिए पीछे पड़ा है। इसके लिए इसके आग तो अंधे नहीं हो सकती, इसका ऐसा करो कि पागल हो जाए और ये एकत्रित खड़े हो जाए। इसलिए मंत्र पढ़ने लगती है। तीनों चिड़िया आपस में भगवान हनुमान जी का मंत्र पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते हनुमान जी का मंत्र पढ़ने लगती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीम ओम हनुमते नमो नमः मंत्र पढ़ने लगती है और चिड़िया एकत्रित एकांत में उसका हाथ बच जाता है डकैत का और अंगुली देख करके खड़ा हो जाता है। इससे चिड़िया का जिंदगी जान बच जाता है बच्चों। इसलिए इस कहानी से सीख मिलती है इंसान को अच्छे बुरे वक्त और अच्छे वक्त में भगवान को नाम लेना चाहिए और अपने जान को भी कर बचाना चाहिए। इस कहानी में ही सीख मिलती है। अच्छे से कहानी देखने के लिए मेरे वीडियो कमेंट और लाइक जरूर करिए।